हेलो फ्रेंड, देव ऑनलाइन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज शिक्षा मंत्री लाइव आने वाले हैं और 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को लेकर पूरी जानकारी आपको बताएंगे किस प्रकार से और कब परीक्षाएं होंगी, और जो भी स्टूडेंट के सवाल होंगे उन सभी के जवाब यहाँ पर वो देने वाले हैं। तो किस प्रकार से आप उनको अपने सवाल भेज सकते हैं और आपको जो है कब यहाँ पर लाइव आने वाले हैं, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम डॉक्टर रमेश पोखरीवाल निशंक की ऑफिशियल यहाँ पर ट्विटर अकाउंट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल अकाउंट है उनका। तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं आप, उन्होंने एक ट्वीट किया था जो कि कल की डेट में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें उन्होंने बताया है, देख सकते हैं, प्रिय विद्यार्थी, वर्तमान स्थिति में आपके मन में कई प्रश्न आने स्वाभाविक हैं। मैं कल 5 मई यानी कि आज 12 बजे आपसे संवाद जो है स्थापित करूंगा। आप एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव के साथ मेरे ट्विटर DRRP निशंक व मंत्रालय के ट्विटर जो है HID मिनिस्ट्री को टैग या मेंशन कर अपने प्रश्न साझा कर सकते हैं। यानी कि फ्रेंड, आपके जो भी क्वेश्चन हैं परीक्षाओं को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर एग्जाम से संबंधित, तो आप जो है अपने HID मिनिस्टर को जो है टैग करके आप ट्विटर हैंडल पर अपने सवाल जो है उनको साझा कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है आज 12 बजे जो है यहाँ पर लाइव आने वाले हैं शिक्षा मंत्री, और जो भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट के उनके सभी के यहाँ पर जवाब देने वाले हैं। जो भी पेरेंट्स के क्वेश्चन होंगे उनके भी यहाँ पर जवाब देंगे। तो याद रखनी है फ्रेंड, यहाँ पर आज 5 मई 12 बजे यहाँ पर लाइव आने वाले हैं और आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। तो जो भी आपका सवाल है अभी तक आपने नहीं किया है तो आप जाकर HRD मिनिस्ट्री को टैग कर या मेंशन कर अपना सवाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इन सभी सवालों पर बात की जाएगी परीक्षाओं संबंधित। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।